खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वॉटसन गिल, आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। पाकिस्तान से हमारी एक बहन, मेरे ख्याल निदा नाम था उनका, और शायद वो अनवर फजल साहब, पास्टर अनवर फजल की वाइफ हैं। वो एक निजी टीवी को इंटरव्यू दे रही थी वो, और उसमें कुछ चीज़ें थी जिन पर मुझे एतराज़ था। एक तो वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान में अकलियतों को बराबरी के हकूक हासिल हैं, और पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं वो बिल्कुल आज़ाद हैं। अच्छा चलें, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पास्टर अनवर फजल और उनकी जो वाइफ है या उनकी जो फैमिली है, खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है। खाते पीते हैं, जो मैं देखता हूँ बड़े बड़े कन्वेंशंस जो हैं वो करते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी इबादत करते हैं। खुदा वाला आपको और बरकत दे। मगर मुझे जो एतराज़ है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है कि मेरी बहन है, वो खातून जो है, मैं उनको मैं समझता हूँ कि उनको बात करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मेरी वीडियो देखने वाले जो हैं उनको भी मैं ये दावत दूंगा कि आपने फ़ैसला करना है कि जो मेरे सवालात हैं उस बहन से, क्या गलत हैं, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हैं, या वो क्या कह रही थी, क्या वाकई पाकिस्तान में अकलियतें जो हैं वो बराबर के शहरी हैं, क्या वाकई मसीह जो हैं वो बराबर के शहरी हैं, क्या जो वहाँ पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मसीह जो है महफूज नहीं है, या हमारी जो बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनके साथ कम उम्र में ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया जाता है, ज़बरदस्ती उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं, और बहुत सारे वाक़यात जो ब्लास्फेमीज के हैं, क्या वो नहीं होते हैं वहाँ पर? क्या अकलियतों की खसूसी तौर पर मसीहों की जो बस्तियाँ उजाड़ी जाती हैं, क्या वो महज प्रोपोगंडा है? क्या ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में? क्या वहाँ पर जो लोग हैं वो खौफ में नहीं रहते हैं? जड़ावाला का जो वाक़या था, क्या वो झूठ था? सरगोधा में जो कुछ हुआ, क्या वो गलत था? या जो नज़ीर मसीह जो था उसे जो कत्ल किया गया, क्या वो सब झूठ है, सब बकवास है? मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस तरह कैसे आप लोग कर लेते हैं। एक तरफ आप अपने आप को खुदा का खादिम कहते हैं, दूसरी तरफ आप झूठ बोलते हैं। मैं नहीं कहता कि आप ये कहें कि जी सारे ही पाकिस्तान में सारे मसीहों के साथ ये है, लेकिन पाकिस्तान में मसीहों के साथ ज़्यादती और जो खौफ की फ़िज़ा है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने दो तीन दिन पहले, ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात का इकरार किया कि अकलियतें जो हैं वो पाकिस्तान में गैर महफूज हैं, और उनके तहफ़ुज़ के लिए उन्होंने एक करारदाद जो है वो पेश की, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेकार सी करारदाद थी, क्योंकि उस तरह के कानून पाकिस्तान में पहले ही मौजूद हैं कि अगर आप अकलियतों को मारते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, तो कानून तो हैं, पहले भी कानून हैं। मकसद जो है वो उन पर अमल दरामद करने का है। आप कानून बनाते जाएँ, लेकिन अगर आप उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुजरावर का जो वाक़ा था, उसके ज़िम्मेदार कहाँ हैं, कौन सी जेलों में? शांतिनगर से ले लें, गोजरा ले लें, जोसेफ कॉलोनी ले लें, तहसील टाउन ले लें, जड़ावाला, सरगोधा, और कौन से कितने शहर में गिनाऊं, कौन जिम्मेदार कहाँ है? रिमशा मसीह का जो जिम्मेदार था, उस एक बच्ची पर गलत इल्ज़ाम लगाया, कहाँ है वो? उसके अलावा और बहुत सारे कितने नाम मैं लूँ। तो मेरी दरख्वास्त है हमारे पाकिस्तानी मजहबी जो रहनुमा हैं, अगर खुदा ने आपको वहाँ दिया और आपकी एक लाइफ बेहतरीन है, कि आपका एक घर पाकिस्तान में है, एक घर अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पर भी, और आपको मालूम है कि आप कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, आपके घरों में लोग नौकर काम करते हैं, आप खुदा ताला ने हर किस्म की बरकतों से मालामाल किया है, और ये अच्छी बात है। मैं इस पर नहीं कहूँगा कि कोई गलत बात है, मैं कुछ जेलस हो रहा हूँ, नहीं, खुदावन आपको और दे, लेकिन खुदावन आपको कम अज़ कम वो अक्ल और दनाई तो दे कि आप झूठ को झूठ और सच को सच कहें। अगर आप उस प्रोग्राम में अपनी उन बहनों का, उन बच्चियों का भी जिक्र करते, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ मलका अस्तर की, कि वो एक बादशाह के घर में थी, उसकी बीवी थी,
उसके एक अच्छी लाइफ के बावजूद भी वो अपने कौम को बेचा नहीं उसने उस अच्छाई का उस आलिशान ज़िंदगी का फ़ायदा उठाकर अपनी कौम को उसने फरामोश नहीं किया, बल्कि वो अपनी कौम के लिए आवाज़ बनी और फिर खुदा ताला ने उसकी कौम को आज़ादी बख्शी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा इस तरह की बातें ना करें, और मैं देखने वालों से कहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को देखें और फ़ैसला करें कि क्या सिस्टर जो हमारी बहन थी मिसेस अनवर फजल, पास्टर अनवर फजल, क्या वो ठीक कह रही थी या गलत कह रही थी। फ़ैसला आपके हाथ में, खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।